नागरिकता कानून के खिलाफ गुवाहाटी में सैकड़ों प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर बैठे। गुवाहाटी समेत कई जगहों में कर्फ्यू में ढील। नॉर्थ ईस्ट के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। असम में हिंसक आंदोलन के बीच जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे का भारत दौरा टला। गुवाहाटी में आबे मोदी शिखर वार्ता भी टली। शिलांग में हालात बदतर होने पर गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रद्द। नागरिकता कानून पर विरोध की आग दूसरे राज्यों में भी फैली। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली में विरोध प्रदर्शन। 5 राज्यों ने कहा कानून लागू नहीं करेंगे। नागरिकता कानून को चुनौती देने वाली 13 याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की भारत बचाओ रैली आज। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। रैली में गिरती अर्थव्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी मुख्य मुद्दे होंगे। दिल्ली के मुंडका इलाके में एक फैक्ट्री में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 21 गाड़ियां मौके पर। ब्रिटेन के आम चुनाव में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी को बहुमत। 15 भारतीय मूल के लोग भी सांसद बने। 3 पहली बार चुनाव जीते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के आरोपों के 2 ड्राफ्ट को न्यायिक समिति की मंजूरी। अब सीनेट में वोटिंग होगी। और आज आधी रात से लागू होगा फास्टैग। 16 दिसंबर से नेफ्ट सुविधा 24 घंटे।